नमस्कार दोस्तों, गणपति चैन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको जेंट्स अंडरवियर बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये कॉटन का 1 मीटर का कपड़ा लिया है। आज भी बड़े बूढ़े जो होते हैं वो इसी तरह का कच्छा पहनना पसंद करते हैं। तो देखिए ये मैंने डबल में कपड़ा कर रखा है। इसकी मैं आपको चौड़ाई दिखाती हूँ। देखिए इसकी चौड़ाई है 17 इंच, तो ये डबल में 17 इंच है, खोल के 34 इंच आ जाएगा और लंबाई इसकी 1 मीटर है। अब मैं इसे उल्टा कर दूँगी और उल्टा करके पहले मैं इसे डबल कर दूंगी इस तरह से, फिर एक तह और लगा के ये 4 तह में कर दूंगी। तो देखिए इसे हमें ये पूरे 4 तह में कपड़े को कर लेना है इस तरह से। तो देखिए ये हमारी 4 तह हो गई हैं। अब इस तरह करने के बाद फोल्ड साइज हम अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। पहले मैं ऊपर से सीधी लाइन बना दूंगी। तो देखिए स्केल से हम ऐसे सीधी लाइन बना देंगे। ये लाइन बनाने के बाद अब हम नीचे 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 इंच का निशान लगा दिया है। अब हम इसमें लाइन बना देंगे। तो ये हमने मिलाते हुए ऐसे लाइन बना दी है। अब ये लाइन बनाने के बाद अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। इसकी टोटल लंबाई है 15.5 इंच, तो ये तैयार लंबाई हमारी 15.5 है। तो हम यहाँ पर 15.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो दोनों तरफ मैंने ये निशान लगा दिए हैं। अब इसमें भी हम ऐसे लाइन बना देंगे। लाइन बनाने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 14 इंच पे। मैं नॉर्मल ही साइज़ का कच्छा बना रही हूँ जो हमारे बाज़ार में रेडीमेड मिलते हैं। तो देखिए इनकी जो चौड़ाई होती है वो 14 इंच होती है। ये आप 34 से लेकर 44 हिप तक के जेंट्स पहन सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये इसे इंची टेप को रखते हुए निशान लगा लिया है। 14 इंची हम नीचे पे निशान लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ नीचे भी निशान लगा लिया है। अब हम नीचे मोहरी को फोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान मैं 1.5 इंच पे लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ से भी 1.5 इंच पे लगा लेंगे निशान और फिर एक लाइन बना लेंगे। ये हमारा फोल्ड का निशान है जो हम मोहरी की तरफ नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये निशान लगा लिया है। तो देखिए अब हम आगे की तरफ इसके थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई का निशान यहाँ पे मैं 13 इंच पे लगाऊंगी। 12.5 इंच ये तैयार आएगी। इस तरह से हम रखते हुए ये 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 13 इंच पे निशान लगा लिया है। ये निशान लगाने के बाद अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो देखिए इंची टेप को इस तरह रखते हुए हम यहाँ पर 14 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया है। अब इसको हम थाई के निशान से इस तरह से ऐसे मिला देंगे और नीचे फोल्ड का निशान जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए हमें, देखिए इस तरह तिरछा करते हुए हमें ये निशान लगाना है और ऊपर की तरफ हल्की सी गोलाई देते हुए निशान लगाना है। बिल्कुल हल्की सी हमें ये गोलाई देनी है। अब ऊपर जो कमर की साइड है यहाँ पर हम 1.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम स्केल को इस तरह से रखते हुए एक तिरछी लाइन बनाएंगे। अब देखिए हमने ये निशान लगा दिया है। इसको हम ऐसे ऊपर तक बढ़ा देंगे। अब हम इसके पूरे की कटिंग कर देंगे। जो भी हमने निशान लगाया है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए हमने ये थोड़े तिरछेपन में हमें ये इस तरह से इसकी कटिंग करनी है और ऊपर से हल्की सी गोलाई लेते हुए, देखिए इस तरह इसकी ये कटिंग करनी है। ये कटिंग हमने इसलिए इस तरह से करी ताकि हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारा पूरा कपड़ा इस तरह से आए। अब देखिए जहाँ पर हमारे ये फोल्ड होएगा वहाँ पर हम छोटा सा कट डाल देंगे। कट डाल के देखिए मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये आएगा। अब हम ऊपर की तरफ से भी हम सीधी कटिंग कर देंगे यहाँ से जो हमने निशान लगाया था। तो देखिए इस तरह हमारी ये इसकी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब देखिए दोस्तों इसके ये 2 पार्ट इस तरह से हो गए हैं। जब हम सिलाई लगाएंगे तो एक सिलाई हम यहाँ पे और एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हम इसमें म्यानी लगाएंगे, तो हम इन बचे हुए कपड़े से म्यानी निकालेंगे। कि हमने ये डबल में कपड़ा ले रखा है। मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई है पूरी 4 इंच की। अब हम इसको ऐसे एक और फोल्ड लगा देंगे। फोल्ड लगाने के बाद इसकी जो लंबाई लेंगे वो लेंगे हम 7 इंच की। तो देखिए यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम स्केल को ऐसा तिरछा करते हुए निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमारी ये 2 म्यानी निकल आई है।
मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से रखते हुए हमें एक ही पार्ट में दोनों मियानी लगानी है। और देखिए एक तरफ इधर और दूसरी तरफ इधर, तो ये हम एक ही पार्ट में दोनों मियानी लगा लेंगे। फिर इसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसके ऊपर रखते हुए हम उसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इसको हम दूसरे पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई करेंगे। अब मैं आपको इसे सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए हमने ये एक पार्ट ले लिया, कोई सा भी एक पार्ट ले लें, उसको सीधी तरफ रखते हुए हमें मियानी को रखना है। और रखते हुए हम ये आधे इंच के मार्जिन से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें पूरे आधे इंच के मार्जिन से लगानी है। तो यहाँ नीचे ला के भी इसे पक्का कर देंगे, फिर देखिए इसे निकाल देंगे। तो इसको निकालते हुए अब हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। अब फिर उल्टी तरफ करते हुए जो भी इसका ये मार्जिन है, देखिए इस मार्जिन को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है, सिलाई हमारी ये मजबूत भी होती है, धागा भी नहीं निकलता है और अंदर की तरफ भी हमारी इसकी ये फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। अब देखिए सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा अंदर की तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग से सिल गया और इसी तरह से हमारा ये बाहर से भी फिनिशिंग से आ गया है। अब जिस तरह से मैंने ये मियानी लगाई है इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब देखिए मैंने ये दूसरी तरफ भी लगा लिया है। तो ये हमारी दोनों मियानी लग के तैयार हो गई हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे। तो दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो दूसरा पार्ट हमें ये उल्टा करके रखना है। देखिए इस तरह से हमें ये पार्ट को रखना है और रखते हुए हमें इसको ऐसे मिलाते हुए, देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ इसे। तो इसे भी हम आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे मार्जिन को। तो देखिए इस तरह से हमें ये मिलाते हुए सिलाई लगानी है। बिल्कुल हल्का सा यहाँ से हम घुमा लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे लाके इसे पक्का कर देंगे। अब देखिए मैं आपको ये सीधी तरफ से खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी ये मियानी लग के तैयार हो गई। अब हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद अब जो ये मार्जिन है इसे भी हम फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई करना है। इससे हमारे अंदर की तरफ भी काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और बिल्कुल भी धागा नहीं निकलता है। तो देखिए हमारी ये सिल के तैयार हो गए। तो ये हमारी उल्टी साइड है और यहाँ से हमारी ये सीधी साइड है। देखिए एक तरफ के हमारी ये सिलाई लग के तैयार हो गई। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई करके तैयार कर लेंगे। दोस्तों इसे मैं लास्टिक वाला बना रही हूँ, तो यहाँ पे हम ऊपर नाड़े के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये मेरा फुल लास्टिक है। अगर आप इसे नाड़े का बना रहे हैं तो आप ऊपर से पहले चिड़िया सी बना लें फिर उसके बाद सिलाई लगा लें। तो नाड़े के लिए जगह बनाने के लिए आपको चिड़िया सी बनानी पड़ेगी और फिर सिलाई लगानी पड़ेगी। तो देखिए मैंने पूरा ऊपर से सिल दिया क्योंकि मैं इसमें फुल लास्टिक डालूंगी। तो देखिए इसे भी मैंने इस तरह से खोल दिया है और खोलने के बाद जो अंदर के मार्जिन है इसे भी हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये दूसरी तरफ भी हमारी ये इसी तरह से सिलाई हो गई है। अब हम इसके नीचे की तरफ मोड़ी की सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कट का निशान लगाया था, तो यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पहले इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और फिर जहाँ से हमारा ये कट आ रहा है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल में, पहले आधा इंच और फिर कट के निशान तक यहाँ से फोल्ड करके इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये पूरे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारी एक तरफ की सिलाई लग गई है, इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी सिल के तैयार हो गई। अब हम कच्छे को ऐसे सीधा करके रख देंगे और सीधा करने के बाद अब हम ये नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। पहले हम कैंची से काट के इसको देखिए ये सीधी सी कर लेंगे। देखिए हमने सिलाई करते समय हमारा ये थोड़ा सा कपड़ा बाहर की तरफ निकला था, अब मैंने इसकी ये इस तरह से सिलाई कर ली है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे भी हम आधा इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। पहले हम पक्का कर लेंगे और फिर इसको इसी तरह से सिल लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरह हमें ये गोलाई में ऐसे सिलना है। अब हम इसके एक तरफ से इस तरह से खोलते हुए, तो देखिए इस तरह खोलते हुए इसमें हम जो हमारे ये मार्जिन है इसकी भी हम फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने ये फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे हम सिलाई लाएंगे। ध्यान रखना है हमारा नीचे की तरफ कपड़ा नहीं आए और ध्यान से करते हुए हमें इसको सिलना है फोल्ड करते हुए। हम यहाँ पे आने के बाद पक्का कर देंगे और फिर इसे निकाल देंगे। अब देखिए हमारी ये इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई आई है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए सीधा करने के बाद हमारी ये इस तरह से सिलाई आई है। तो इस तरह से हमारी ये नीचे की सिलाई आनी चाहिए। तो ये हमारे ये नीचे से बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम ऊपर की तरफ नेफा बनाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो जो हमने ये निशान लगाया था यहीं से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब आधा इंच अंदर की तरफ और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ तक आने के बाद थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो देखिए ये इतनी जगह मैंने ये इलास्टिक डालने के लिए छोड़ दी है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच की है। इसकी हम लंबाई कमर के हिसाब से लेते हैं। जितनी भी आपकी कमर है उसमें हम 5 इंच कम कर देते हैं। तो ये मैंने 32 इंच की ली है। तो आप कमर नाप लें और फिर इसमें 5 इंच कम करके इसमें इलास्टिक को डाल लें। तो देखिए मैंने इसमें ये पिन लगा दी है। पिन की मदद से हम ये पूरे में इलास्टिक डाल लेंगे। तो मैंने ये पूरे में इलास्टिक डाल ली है। अब हम इसको इस तरह से मिलाते हुए, देखिए इसको हम इस तरह मिला देंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। 2-3 हमें सिलाई इसमें लगानी है। अभी सिलाई लगा के पक्का कर लिया है। अभी इसे हम अंदर कर देंगे। अंदर करने के बाद अब जो हमने ये जगह छोड़ी थी इसमें हम फिर से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इलास्टिक को खींचेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से ये खींचना है। इससे हमारी ये पूरे में चुन्नटे एक साइड सी आ जाएंगी। अब ये खींचने के बाद अब हम इसमें बिल्कुल बीच में हम इलास्टिक के सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने ये बीच में रख दिया है सुई को। अब ये पूरे में इस तरह से दोनों तरफ से खींचते हुए हमें ये सिलाई लगानी है बिल्कुल बीच में। अब देखिए हमारे ये पूरा अंडरवियर बनके तैयार हो गया है। इसमें हमने इलास्टिक डाली है। अगर नाड़ा डालेंगे तो वो किसी भी साइज़ का ओल्ड साइज़ का ये कच्चा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें इलास्टिक डालेंगे तो आपको कमर नापनी पड़ेगी। तो कमर नाप के उस हिसाब से आपको इलास्टिक डालनी है। वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, साथ ही वीडियो लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।